नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं योनि पीचू के बारे में। योनि पीचू जो है ये आयुर्वेद की एक बहुत ही प्राचीन थेरेपी है कि जिसमें स्त्रियों का जो स्वास्थ्य होता है उसको मेंटेन करने के लिए या अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये दवाइयों के साथ भी होता है या बाकी जो ट्रीटमेंट्स होती है उनके साथ भी हम बोलते हैं ना, एक एडिशनल थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। पीचू शब्द का सिंपल सा अर्थ होता है कि कपास या कोई भी कॉटन जो है उसको भिगोकर शरीर के किसी भी भाग में यूज़ करना। अभी नेचुरली योनि पीचू जो है उसका अर्थ होता है योनि भाग में, जब इस प्रकार से कॉटन का यूज़ करते हैं तो उसे योनि पीचू कहा जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका एकदम सिंपल होता है। आप कोई भी स्टरलाइज्ड कॉटन का छोटा सा पीस लीजिए, उसको किसी भी आयुर्वेदिक जो तेल या घी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो उसमें भिगोकर इसे योनि में अंदर रखना है। योनि में अंदर मतलब कितना रखना है, तो नियरली इतना, हमारा जो पहला पैर होता है उंगली का उतना ही हमें उसको अंदर इंसर्ट करना होता है। इसको यूज़ हम लोग जनरली रात को करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर दिन भर में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर शायद मूवमेंट्स वगैरह के कारण वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि नेचुरली ग्रेविटेशनल पुल होता है और योनि भाग में उसे पकड़ कर रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो नेचुरली छोटा सा कॉटन का जो पीस है वो नीचे गिर सकता है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसको रात को यूज़ करें। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होती है कि ये अंदर चला जाएगा क्या या अंदर रह जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप योनि भाग में जहाँ उसको रखेंगे वहाँ से थोड़ा नीचे ही नेक्स्ट नाइट जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आपको मिलेगा, तो इसीलिए इसमें चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी के साथ याद रखिए कि ये हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपको डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है तो रोज़ रात को अदर देन मेंस्ट्रुएशन इस योनि पीचू को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि हफ्ते में एक या दो बार ही यूज़ कीजिए तो बात अलग है। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो या प्रेगनेंसी है तो इस प्रकार का पीचू यूज़ कर सकते हैं, कि ऐसे बहुत लोगों को मन में शंका होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते वक्त तो यूज़ करने का फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के योनि पीचू से वात कम होता है, तो नेचुरली वो प्रेगनेंसी रहने के लिए मदद ही करेगा। और प्रेगनेंसी के वक्त भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही हो तो उसमें भी इस पीचू का फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार ये जो पीचू हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं भला? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि शरीर में जो भी किसी वात के दोष होंगे, क्योंकि यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये हॉलो ऑर्गन्स बताए गए हैं, तो इसमें नेचुरली अपान वायु होती है, तो अपान वायु का बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है स्त्री के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। तो जहाँ स्नेह या मतलब तेल या घी यूज़ होगा तो नेचुरली वात का बैलेंस जो है वो होने में मदद मिलती है। इस प्रकार से जब हम लोग कोई आयुर्वेदिक पद्धति से सिद्ध किया हुआ तेल या घी पीचू के लिए यूज़ करते हैं तो नेचुरली स्टराइल वहाँ पे एनवायरनमेंट तैयार होता है ना, मतलब किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो भी ऐसे वक्त में नहीं होती, तो नेचुरली इन्फेक्शंस वगैरह भी जो होने के चांसेस होते हैं वो भी योनि पीचू से कम होते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तेल या घी का यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली वजाइना का जो ड्राइनेस होता है वो कम होता है। इसीलिए मेनोपॉजल फेज़ में तो हम स्त्रियों को हमेशा सलाह देते हैं कि इस प्रकार का योनि पीचू यूज़ करना चाहिए। साथ ही में अगर योनि भाग में कहीं इन्फ्लेमेशन हो, किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, तो वो भी कम करने में योनि पीचू की मदद होती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। रिकरेंट मिसकैरेज, मतलब जिसे आयुर्वेद में एक बहुत बड़े प्रकार का योनि दोष बताया गया है, पुत्रग्नि योनि उसे बोलते हैं, तो उसमें स्पेशली अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आयुर्वेद में बताई हैं कि जो योनि पीचू के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं, जिससे रिकरेंट अबॉर्शन की जो तकलीफ है वो भी कम होने में मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में तो इस प्रकार का योनि पीचू यूज़ करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे वजाइनल सॉफ्टनेस बढ़ती है और जो पेल्विक फ्लोर में प्रॉपर हमें मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स का सपलनेस चाहिए लेबर में मदद करने के लिए, मतलब जिससे प्रसूति अच्छी तरीके से हो सके, उस वक्त तो योनि पीचू का बहुत ही फायदा होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जब कई बार वजाइनल ड्राइनेस के कारण तकलीफ होती है तो इसी प्रकार जो पीचू के लिए तेल होते हैं उनका उपयोग हम लुब्रिकेंट के तौर पे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सब लोकल फायदे तो होते ही हैं, पर आयुर्वेद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई है कि इस प्रकार का योनि पीचू जो है वो शरीर में सभी धातुओं का पोषण होने में भी मदद करता है, तो इसीलिए इसके फायदे जो है वो पूरे शारीरिक तौर पर हम लोग देख सकते हैं, मतलब धातुओं से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, हॉर्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका फ़ायदा जो है हमें उन सब चीज़ों में भी दिखाई देता है। योनि पीचू जो है वो 13 साल की उम्र से या जब से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है तब से यूज़ करना शुरू करना चाहिए, वो पूरे जीवन भर रखना चाहिए। शुरुआत में जो
लड़कियां छोटी होती है उम्र में, उन्हें थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आप केवल लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर उन्हें 2 से 3 दिन में एक बार यूज़ करने की सलाह दीजिए, और जैसे जैसे उन्हें आदत होती जाएगी वैसे ये पीचू डेली यूज़ करना अच्छा होता है। अगर आपको लगता है कि ये जो कपास है इसको अंदर रखने में मुझे टेंशन हो रहा है, तो इस प्रकार से जो बाती आपको दिखाई जा रही है, जैसे हम दिए की बाती घर पर बनाते हैं, उस प्रकार से भी आप बाती बनाकर इसको योनि भाग में रख सकते हैं, जिससे इसे नेक्स्ट डे निकाल देना जो है वो ईजी हो जाएगा। अगर आपको रात में यूरिन के लिए जाना पड़ता हो, तो ऐसे वक्त में याद रखिए कि 2 से 3 घंटे अगर आपको योनि पीचू रखकर हो गए हैं तो आपको डिस्कार्ड कर देना चलेगा, मतलब निकाल दीजिए आप योनि पीचू और फिर वापस उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप 1-1.5 घंटे में ही टॉयलेट के लिए उठे और आपको योनि पीचू निकाल देना पड़ रहा है, तो फिर मैं ऐसी सलाह दूंगी कि आप उसे वापस से रखेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो कम से कम 3 से 4 घंटे जो है योनि पीचू योनि भाग में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ट्रैवल करना है या आपको रोज़ कहाँ बॉटल खोलें, कॉटन लें, भिगोए, इसका बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा हो कहाँ इतना मैं सब मेहनत लूँ, तो आप 7 से 8 दिन की जो कॉटन बॉल्स है वो प्रिपेयर करके किसी भी ग्लास की बॉटल में या एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर जो है उसमें भी रख सकते हैं, तो आपको ट्रैवल के लिए ले जाना भी इजी होगा, या आप आपके बाथरूम में कहीं रख देंगे तो रात को यूज़ करना फेमिसाइन जैसे तेल का जो पीचू है वो भी इजी हो जाएगा। आत्मसंतुलन में तो हम लोग योनि पीचू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब देखिए रेगुलर बेसिस पे तो जैसे संतुलन का फेमिसाइन तेल है उसका तो पीचू हम लोग यूज़ करने के लिए बोलते ही हैं, पर जब पेशेंट्स पंचकर्म के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं तब भी अलग अलग प्रकार के जो वनस्पतियों से सिद्ध घी हैं, तेल हैं, इनका भी उपयोग हम लोग योनि पीचू में करते हैं, उत्तर बस्ती में करते हैं, और उसके बहुत फ़ायदे हमें अलग अलग केसेस में दिखते हैं, और स्पेशली जो इनफर्टिलिटी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड या PCOS वगैरह जैसे जो हार्मोनल जो चेंजेस शरीर में आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गए हैं, उन सब केसेस में तो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ का बहुत ही फ़ायदा होते हुए हमें दिखता है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये जो योनि पीचू है जो इतनी ईजी है प्रोसेस, देखिए शुरुआत करने में थोड़ा सा ऑड लगता है पर एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे ना तो उसके फ़ायदे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे इतनी अच्छी चीज़ है ये, मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ की। बहुत सी स्त्रियां जो हैं मेनोपॉज में वो तो बोलती हैं कि इससे नींद भी हमें आने में मदद मिलती है, तो शायद धातु से रिलेटेड या वात से रिलेटेड अगर नींद से कोई तकलीफ होगी तो वो भी कम होने में इससे मदद मिल जाती है। तो इसीलिए ये छोटी सी थेरेपी है जो आप घर पे भी रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो योनि पीचू जैसी ये जो सिंपल थेरेपी है जो घर पे की जा सकती है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा हर एक महिला को मिले। आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग विषय लेते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।